हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। सो गाइस, आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, राइट? काफ़ी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स फर्टिलाइजेशन से पहले हम कवर करेंगे, एंड द लास्ट टॉपिक अमंग्स दोज इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, बैगिंग एंड ई मैस्कुलेशन। आप अपने एनसीईआरटी के पेज 17 पर जाएंगे तो आपको दिखेगा कि लास्ट के 2-3 पैराग्राफ्स में कुछ हाइलाइटेड वर्ड्स है विच आर बेस्ड ऑन दीज ओनली। तो मैंने इसी को एक्सप्लेन करने के लिए आज ये वीडियो बनाना है, ठीक है जी। हाउ टू ऑब्जर्व पोलन ग्रेन, एक पैराग्राफ है उसमें ये देखने के लिए कि पोलन ग्रेन कैसे जर्मिनेट होते हैं, ठीक है जी। सो हाउ विल वी ऑब्जर्व दैट? यू कैन इजिली स्टडी पोलन जर्मिनेशन by dusting some pollen from flowers such as pea, chickpea, crotalaria, balsam and vinca. मतलब आप क्या कर सकते हो, कोई भी पोलन ले सकते हो फ्रॉम मेनी ऑफ दीज प्लांट्स विच इज मेंशन, एंड यू कैन जस्ट स्प्रिंकल इट ऑन द स्लाइड, ऑन अ ग्लास स्लाइड, जिसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के विजुअलाइज किया जा सकता है, और उसके अंदर एक शुगर सोल्यूशन का ड्रॉप डालेंगे आप, राइट, अबाउट ऑलमोस्ट 10%, जिसमें 15-30 मिनट्स लेटर ये ऑब्जर्व कर सकते हैं अंडर द लो पावर लेंस ऑफ द माइक्रोस्कोप कि यू विल सी सम स्मॉल पोलन ट्यूब्स कमिंग आउट ऑफ द पोलन ग्रेन्स, ठीक है। यू देयर यू विल सी कि कैसे पोलन ट्यूब जर्म पोर से बाहर आ रही है। सो दिस एक्सपेरिमेंट कैन बी डन इन योर स्कूल लेबोरेटरीज। दिस वॉज अबाउट हाउ यू कैन ऑब्जर्व पोलन ग्रेन जर्मिनेशन। द नेक्स्ट टॉपिक विच यू कैन सी एंड ऑन द स्क्रीन इज द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। सो लेट्स सी व्हाट इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अ ब्रीडर इज इंटरेस्टेड इन क्रॉसिंग डिफरेंट स्पीशीज। मैंने अभी लास्ट वीडियो में जब पोलन पिस्टल इंटरेक्शन बढ़ाया तो वहां पे बात की थी प्लांट ब्रीडिंग की, कि कुछ ब्रीडर्स होते हैं जो डिफरेंट प्लांट्स को फ्यूज कराते हैं टू ऑब्जर्व डिजायर्ड वैरायटी, ताकि उनके मनपसंद का प्लांट मिल सके जिसमें वो स्पेशलाइज्ड क्वालिटीज हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही चीज है कि ब्रीडर इंटरेस्टेड रहता है डिफरेंट स्पीशीज को क्रॉस कराने में, एंड ऑफन जेनेरा टू कंबाइन डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स टू प्रोड्यूस कमर्शियली सुपीरियर वेराइटीज, ठीक है, कि कुछ अच्छी वेराइटीज निकल के आ सके, राइट। तो ऐसा हमेशा प्लांट ब्रीडर का मकसद रहता है। अब वो ऐसी चीजों को कैसे अचीव कर सकता है? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसी अप्रोच है जिससे हम क्रॉप्स में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, हम अपने मनपसंद के क्रॉप्स बना सकते हैं, उनमें वही स्पेशलाइज्ड क्वालिटीज को एड ऑन कर सकते हैं। बट कैसे? स्टिग्मा पे तो कहीं का भी पोलन लैंड कर सकता है, कोई भी फर्टिलाइज कर सकता है, अगर पोलन पिस्टल इंटरेक्शन ने एक्सेप्ट कर लिया तो वो बन जाएगा, वहां पे कैसे हमारे प्लांट ब्रीडर्स कंट्रोल करेंगे। सो इन सच क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट्स इट इज इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर that only desired pollen grains are used for pollination. मतलब अगर प्लांट ब्रीडर को पर्टिकुलर प्लांट के स्टिग्मा पे दूसरे प्लांट का पोलन लेकर आना है तो उसको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि यहाँ के स्टिग्मा पे वही वाला पोलन आए जो वो चाहता है। लेकिन वो ये चीज कैसे मेक श्योर कर सकता है? द स्टिग्मा इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम कंटेमिनेशन, कि आप उस स्टिग्मा को और किसी पोलन का एक्सपोजर ना होने दो, सिर्फ अपने वाला ही पोलन स्टिग्मा तक लेकर आओ। अब वो हम कैसे अचीव कर सकते हैं? दिस इज अचीव्ड बाय ईमैस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक्स। तो नेक्स्ट चीज क्या बनेगी, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने का क्या बनेगा? ईमैस्कुलेशन और बैगिंग टेक्निक्स क्या होती है जिससे हम अनवॉन्टेड पोलन से हमारे स्टिग्मा को बचा सके, ताकि हमारे मनपसंद का प्लांट बने। तो लेट्स सी व्हाट आर दीज टेक्निक्स। वी विल फर्स्ट अंडरस्टैंड ईमैस्कुलेशन। इफ द फीमेल पेरेंट बेयर्स बाइसेक्सुअल फ्लावर, अगर तो फीमेल पेरेंट है, ठीक है, और उसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, मतलब मेल पार्ट भी है फीमेल पार्ट भी है, द रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लावर बड बिफोर द एंथर डहिसेस यूजिंग अ पेयर ऑफ फोर्सेप्स इज नेसेसरी। वो ये कह रहे हैं कि तुम चाहते हो कि इस ये जो एक फ्लावर है जिसमें मेल भी है जिसमें फीमेल भी है, तो हम उसके फीमेल पे किसी और मेल को लेकर आना चाहते हैं और ब्रीड कराना चाहते हैं, करेक्ट। तो वो ये कह रहा है कि पहले उस जो फ्लावर के अंदर फीमेल है उसी फ्लावर के मेल के आप फोर्सेप्स से उसके एंथर में से पोलन ग्रेन निकाल दीजिए, ताकि सेल्फ पॉलिनेशन के और ऑटोगेमी के चांसेस तो खत्म ही हो जाए। तो वो जो पोलन ग्रेन्स को निकालने वाला प्रोसीजर है उसको बोला जाता है ईमैस्कुलेशन। अंडरस्टूड? तो हमने उसके ऑटोगेमी के चांसेस तो खत्म ही कर दिए। नेक्स्ट बैगिंग। जो फ्लावर
इमैस्कुलेट कर दिए, मतलब उनके एंथर को तो हमने काट दिया, उसके पोलन्स हटा दिए। अब उसको हम कवर कर सकते हैं एक सूटेबल साइज के बैग से जो मोस्टली बटर पेपर से बना होता है, ताकि उस स्टिग्मा पे कोई बाहर का दूसरा पोलन भी ना आ सके। अपने वाले के चांसेस तो हमने खत्म कर दिए, उसको फोर्सेप्स से निकाल के फेंक दिया, लेकिन ये तो हो सकता है ना कि और कहीं दूसरा वाला आके बैठ जाए, तो उसको बैग, एक बैग टेक्निक लगाते हैं, उसको एक पेपर से कवर कर देते हैं, दैट इज यूजुअली बटर पेपर। ठीक है, कवर करने वाली टेक्निक को क्या बोलते हैं? बैगिंग। अब जब हम चाहेंगे तो हम अपना पोलन लेके आएंगे, उस बैग को हटाएंगे और क्रॉस पॉलिनेट करा देंगे। ठीक है जी, दिस इज द बैगिंग टेक्निक। व्हेन द स्टिग्मा ऑफ बैग्ड फ्लावर अटेन्स रिसेप्टिविटी, जब वो बैग के अंदर हमारा स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाएगा, पॉलिनेट करने के लायक हो जाएगा, तो हम मच्योर पोलन ग्रेन्स को लेकर आएंगे और उनको स्टिग्मा पे डस्ट कर देंगे। डस्ट करने के बाद हम फ्लावर को दोबारा रीबैग कर देंगे, ताकि अभी भी कोई और पोलन आके उस पर जर्मिनेट ना कर जाए, और अपनी पोलन ट्यूब को ग्रो होने देंगे। ठीक है जी, दिस इज हाउ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज अचीव वाया इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक्स। नाउ 1-2 लाइंस आर मोर गिवन एनसीईआरटी में। अगर फीमेल पेरेंट यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब उसमें फ्लावर यूनिसेक्सुअल है ही फीमेल, तो वहां पे तो हमें कुछ जरूरत ही नहीं है ना, हमें इमैस्कुलेशन की तो नीड ही नहीं है, क्योंकि एंथर तो है ही नहीं, सो देयर इज नो नीड फॉर इमैस्कुलेशन। लेकिन जस्ट अ सेकेंड, बट द फीमेल फ्लावर्स आर टू बी बैग्ड, क्योंकि बाहर से तो आ सकता है ना कोई, तो बैगिंग वहां करनी पड़ेगी, बट इमैस्कुलेशन की नीड नहीं है। ओके, व्हेन द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव, जब उसका स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाएगा, तो वही पॉलिनेशन करवा दो जैसे हमने नॉर्मली पढ़ी थी, अपने पोलन लाओ, उसको डस्ट करो, उसको थोड़ा सा बैग कर दो, वो आराम से डेवलप हो जाएगा एंड इट्स डन। ठीक है जी, दैट वॉज ऑल अबाउट सम टेक्निक्स जो हमने पढ़ी, राइट। वी स्टार्टेड अबाउट जो हमने लास्ट में इसका ये काम कवर अप किया है सारा, ठीक है, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के बाद। ये कुछ स्पेशलाइज टेक्निक्स थी, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, इमैस्कुलेशन, बैगिंग। वंस दिस इज डन, वी आर कंप्लीटेड विद आवर प्री फर्टिलाइजेशन टॉपिक्स। नाउ वी विल स्टडी डबल फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, एंड फाइनली वी विल सी दैट हाउ अ सीड इज फॉर्म्ड, हाउ अ न्यू प्लांट इज फॉर्म्ड। ठीक है जी, सो बिफोर आई ब्रिंग वीडियोज अबाउट डबल फर्टिलाइजेशन एंड सीड फॉर्मेशन और एम्ब्रियो फॉर्मेशन, आई वॉन्ट टू कवर द नीट PYQs बेस्ड ऑन दीज टॉपिक्स, ताकि हमारा टॉपिक लैंगर ऑन ना हो, और आपको ये भी पता लग जाए कि ये जो हमने रीड किया है, इनमें से नीट में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियोज आई बी ब्रिंगिंग विल बी बेस्ड ऑन PYQs। ठीक है, मैं थोड़ा उनको शॉर्ट शॉर्ट में डिवाइड कर दूंगी, ताकि वो आपके 10-12 मिनट से ज्यादा ना आए। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, स्टे अपडेटेड फॉर मोर वीडियोस, थैंक यू।